हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहाँ पे सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलो जी, मैं चलता हूँ, आप संभाल लेना। अरे क्या हुआ? नहीं, मैं तंग आ गया हूँ। चलिए, रोज रोज के नाटक किए क्या? अंडे की पीली जर्दी बन के आ गई क्या ये सब? इस बार हम अपने कॉलेज के प्ले में स्वर्ग लोक की अप्सरा बने हैं। पूरा बताओ ना, ये स्वर्ग की अप्सरा बनी और स्वर्ग वाले नरक में शिफ्ट हो गए? बंद करो ये सब। इस मनुष्य को नजरअंदाज करते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस किरदार को निभाने के लिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आई हूँ। कपिल जी, कितना चाहिए आशीर्वाद? 1000 या 1500? ये पैसों को आशीर्वाद बोलना बंद करो। आई बड़ी अप्सरा। ये पैसों को बोल रही थी? हाँ जी। ओ हाँ। Really? अगर आपको ये बोले ना, मैंने आपके साथ फोटो लेनी है, मतलब 2000। अच्छा, क्या आपने बता दिया? हाँ जी, तो यहाँ पे सब ऐसा ही है मामला। आई बड़ी अप्सरा। देखो कपू, मैं ना अपने विद्यालय की सबसे खूबसूरत कन्या हूँ। तो विद्यालय का नाम तो बताओ। क्या लोग पढ़ते हैं शिशु विद्यालय में? ये पढ़ती पशु विद्यालय। आपको तो सब पता ही होगा, वहाँ की फीस आप ही तो भरते हैं। चैरिटी करते रहते हैं बस। अच्छा, कुछ भी बोलते हो। सर मैं बताऊं, लोग मेरी कला का लोहा मानते हैं। लोहा मांगते हैं, मांगते हैं। सर इसने गलत बोल दिया। हाँ। ये क्या पैरों में चुंबक वाले जूते पहन के ना बंगार वालों का लोहा उठा लेती है? तो ये उस हिसाब से। दीपिका मैम, आप प्लीज इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। वो क्या है ना, आपने इतना अच्छा किरदार जो निभाया है ना, मैं एक्चुअली आपसे एक्टिंग टिप्स चाहिए बस। बात वही है, पहले आशीर्वाद फिर टिप्स, घुमा फिरा के मांगनी भी की है बस। तू नेचुरल लुक में आती ना तो 10-15 रुपए तेरे को वैसे ही मिल जाते। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग खानदानी लोग हैं, ये सब बिल्कुल भी। तुम क्या खानदानी लोग? बड़े सड़क पे गिरा हुआ फूड स्ट्रीट फूड बोल के खा जाते हैं ये, और खानदानी लोग हैं हम। देखो कपू, शायद तुम्हें हमारी पॉपुलैरिटी का कोई अंदाजा नहीं है। हाँ। यार फैंस तो मेरे नाम का पासवर्ड रखते हैं अर्चना मैम। और जैसे ही पासवर्ड डालते ना, कंप्यूटर बोलते हैं सॉरी पासवर्ड इज टू शॉर्ट, चेंज द पासवर्ड एंड गेट लॉस्ट। अब तो तुम बातें बना रहे हो कपू। तो क्या करें, तुम भी बनाओ कभी। हमें ही बातें बनानी पड़ती है। इतनी आलसी है ना, सोशल मीडिया पे फोटो डाल के लिखती है कैप्शन दिस, वो भी नहीं लिख रही। और नीचे एक पंजाबी आदमी ने कमेंट लिखा, चल चल सानू और कोई काम नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये भी हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। वो मुझे एक आदमी का मैसेज आया था, कह रहे थे सर आपके शो में जो भूरी है उसको बोलो अपनी फोटो हटाए, हमारा बच्चा रो रहा है। इसलिए बोलता हूँ ये सब बंद कर दे। ऐसे कैसे बंद कर दूँ, लंबी रेस की घोड़ी हूँ मैं कप्पू। यही बात बोल के ना मैं लंबी रेस की घोड़ी, घोड़े के चने खा गई उस दिन। घोड़ा कहता है चने तो खा लिए तो नहीं है, करके दिखा। इसने कर भी दिया, कहती और अपना भी बता दो। हाँ, बंदरों से जो फल चोरी करवाते रहते हो वो भी बताओ। एक तो तेरी बुआ के लड़के को रोजगार दिया मैंने। देखो बंदर कुछ तो अच्छा बोल दिया करो, मेरे टैलेंट की कुछ तो तारीफ कर दिया करो। गेस्ट आए हुए हैं कुछ। टैलेंटेड तो बहुत है सर, ये न्यू बॉर्न केचुए होते ना, उनको रेंगना सिखाती है इनका। तुम्हें पता है हमारी कितनी इज्जत है सर? अभी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, सरकार की तरफ से हमें भी न्योता आया था। पूरी चिट्ठी बता, उसमें क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि ट्रंप यहाँ पे आ रहे हैं, अहमदाबाद के सारे आवारा कुत्ते नहला दुला के रखने हैं आपने। देखो कपू, ऐसा काम ना कभी किया है ना करेंगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो इसलिए था क्योंकि मेरे दादाजी ओलंपिक में दौड़े थे, इसीलिए। पूरा बता क्यों दौड़े थे? क्यों ओलंपिक? अरे उनकी मशाल लेके दौड़ गए।
आप सोचो जो ओलंपिक में जीतता है उसको ब्रॉन्ज मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, इनकी पीठ पे बांस मिला एक, और अब इन्होंने ना दादाजी की पीठ को फ्रेम करा के ऐसे टंगा हुआ है वहां पे। देखो कपू, तुम्हारी इन सब बातों का ना मैं जवाब बाद में दूंगी, क्योंकि फिलहाल मेरे प्ले का वक्त हो रहा है। अच्छा, तो मैं आज्ञा चाहूंगी आप लोग प्लीज जरूर आइएगा मेरा प्ले देखने। जरूर। थैंक यू। जरूर। थैंक यू। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्योते पे यहाँ पे आए, और सर हम सब जानना चाहते हैं कि रामायण के साथ आप कैसे जुड़े हुए थे, आप असिस्ट करते थे रामानंद सागर जी को या? मैं तो रामायण के साथ 1975 से जुड़ा हूँ। अच्छा जी। मैं चरस का कैमरामैन था, DOP। अच्छा जी। वाओ। हम चरस की शूटिंग कर रहे थे स्विट्जरलैंड में। अच्छा जी। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में एक बॉर्डर है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था ले डेब्लेकेर। अच्छा जी। और वहाँ पे रात को शूटिंग के बाद धर्म और हेमा जी के साथ हम गए थके थके, एंड एक फ्रेंच मैन एक बड़ा सा बॉक्स लेके आया। अच्छा जी। और उसने ऐसे किया एंड बटन दबाया, उसमें फिल्म शुरू हो गई। अच्छा जी। मैं पापा जी सब खड़े हो गए कि एक बटन दबाने से फिल्म कैसे, प्रोजेक्टर कहाँ है? उस टाइम TV कभी देखा नहीं था, कलर TV। जी। तो पहली बार कलर TV देखा। अच्छा जी। तो उसी वक्त पापा जी ने डिसाइड किया कि मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी। मैं TV में जा रहा हूँ, मैं जिंदगी में 3 चीज़ें बनाऊँगा, एक 12 कला अवतार राम, एक 16 संपूर्ण कला अवतार कृष्णा, एंड शक्ति माँ दुर्गा। वाह। तो 76 में उनकी इतनी विजन थी कि 76 में उन्होंने कहा कि फ्यूचर टेलीविजन है, आज आपका शो विश्व भर में जाता है। शुक्रिया सर। आपका शो जिसे कहते हैं विश कुटुंबम, सारे विश को एक फैमिली बना के रखा है। आशीर्वाद है सर आपका। तो उस वक्त भी पापा जी की ऐसी विजन थी कि टीवी के माध्यम से ही ये फ्यूचर है, और उसके बाद उन्होंने मुझसे एक पैम्फलेट बनाई और रामायण की, कृष्णा की, एंड दुनिया भर में भेजा। तो किसी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि इसको बाहर फेंक दो। अच्छा। किसी ने कहा कि अपने पापा से कह लो, 60 साल हो गए हैं, सटक गए। अच्छा। ये मुकुट मूछ कभी चल सकता है क्या? तो अग्रवाल साहब है। अच्छा जी। RS अग्रवाल। अच्छा जी। मेरे मित्र थे, मैं उनके पास गया कि हम एक टेस्ट मार्केटिंग करना चाहिए। अच्छा जी। हम इसी तरह का प्रोग्राम मुकुट मूछ। अच्छा जी। हम विक्रम मैताल बनाते हैं। अच्छा जी। तो शरद जोशी जी ने मेरे लिए लिखा, बहुत बढ़िया, बड़े कमाल के राइटर हैं जी। बहुत बहुत क्या लिखा, क्या कहानियाँ उन्होंने सोमदेव भट्ट की लेके आए, 2500 साल पुरानी। और जब हमने विक्रम मैताल बनाया, इतना बड़ा हिट हुआ, अरुण जी को शायद पता भी ना होगा, अरुण जी की कास्टिंग विक्रम की इसके लिए किए थी कि वो आगे जाके राम बनेंगे। वाह। सीता जी की कास्टिंग राजकुमारी के लिए इसलिए की क्योंकि वो सीता जी बनेंगे। सुनील की कास्टिंग अगर आप देखेंगे, राजकुमार बनाया क्योंकि इसने लक्ष्मण करना था। और दारा सिंह जी को हमने वीरवर बनाया क्योंकि उन्होंने हनुमान जी करना था। वाह। हमने सारा विक्रम बेताल आप मानेंगे नहीं, बंगले में शूट किया, कपिल जी सागर विला में किया। वाह क्या बात है यार। देयर वाज एक सीक्वेंस था जहाँ पे कोई दिखाना था, एक डियर जंप्स ओवर, तो ऑब्वियसली डियर वियर मिलना मुश्किल था लास्ट मिनट, सो बकरी उठाकर लेकर आए, पेंट किया, एंड दे जस्ट डिड वन शॉट जंप्ड ओवर द कैमरा एंड यू कांट मेक आउट बकरी। एक पंछी का सीक्वेंस था कि महापंछी। हाँ, वो मेरे हाथ पे। अच्छा। हाँ, अभी महापंछी आता है, देखता है, पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी महापंछी हम लाए का, उस टाइम क्रोमा वगैरह स्पेशल इफेक्ट ग्राफिक VFX तो तभी आया भी नहीं था, था ही नहीं, है ना। तो हमको एक बाज मिल गया छोटा सा, तो उसका आइडिया एज ए डायरेक्टर हमको करना पड़ा, जो कपिल को मतलब समझ आएगा कि दो असिस्टेंट, एक कैमरा होता था तो बड़ा क्लोजअप उसका लेते थे ताकि यू नो उसको हम दिखाएं कि ये महापंछी है, जायंट है, ये है, एंड दो अंडे रखे जाते थे। अच्छा। पहले कैमरा ऑन होता था तो बाज ऐसे सोता था, खरांटे मारता था,
अंडा तोड़, तो अंडे तोड़ते थे अंडे की सुगंध के साथ वो उठता था। कट इट, परफेक्ट शॉट। क्या बात है। सर मैं ना एक्चुअली मेरे मन में सवाल भी था, मैं क्या जब आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, जब बचपन में मैं रामायण में हम देखते थे तीर उड़ते थे, गर्दन कट जाती थी, तो मैं वही पूछने वाला था कैसे करते थे सर आप लोग। जब पापा जी ने पहली बार मुझे ये तीरों का सीक्वेंस बताया तो मैंने कहा पापा जी मुझे एक लेजर प्रोजेक्टर चाहिए। अच्छा, मुझे लेजर प्रोजेक्टर चाहिए, उसका किराया क्या होगा, बजट तो लिमिटेड होते थे ना। हाँ, आप जैसा बजट थोड़ी होता था। आप में तो कुबेर की कृपा है। तो हमने लेजर प्रोजेक्टर के साथ एंड कंप्यूटर में वो सब तीर वगैरह बनाए, और लेजर प्रोजेक्टर में वो सारे चक्र के वो जो सारे थे, एंड पापा जी ने मुझे स्टूडियो दिया, कैमरा दिया, और झगड़े तो होते थे ना, उस तरह देख के मैं इस तरह, ये ले तेरा कैमरा, जा जो करना कर ले। 6 दिन 6 रात मैं निकला नहीं, ना खाना ना पीना। 6 दिन के बाद मैं निकला, मैंने कहा ये लीजिए आपका सीक्वेंस। तो एंड मैं बेहोश हो गया। एंड जैसे उठा तो डॉक्टर का सीक्वेंस होता है ना फिल्मों में, सब डॉक्टर देख रहे होते हैं, पेशेंट देख रहा होता है, मैंने देखा सब देख रहे हैं। एंड पापा जी ने कहा प्रेम बहुत ग्रेट सीक्वेंस है, तेरे लेजर प्रोजेक्टर ने कमाल किया। क्या बात है। आज आपके मुंह से किस्से सुन रहे हैं तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की आप सबने। थैंक यू सो मच सर। हमें तो बचपन में वो लड़ाई वाले सीक्वेंस का बड़ा मजा आता था, जब तीर चलता था ना एक, और एक तीर चलाया भगवान ने, दूसरा चलाया राक्षस ने, राक्षस का गायब हो जाता था, फिर उसका रिएक्शन देखने का बड़ा मजा आता, डंट डायन डिश गायब हो गया कहता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.